ये स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए 22 अगस्त को बेटा हमने 1 to 21 आपको पेजेस भेजे थे। जो पेजेस भेजे ये अभी तक हमने जो पढ़ाया है वो टोटल कम्प्लीटली जो डायमेंशनल एनालिसिस ये टॉपिक अभी चल रहा है। हम आप अभी बुक मत देखिए, आप एक बार जो आपको हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज वो देखिए। तो हमारा टॉपिक था, टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज यूज ऑफ डायमेंशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, ये सब पढ़े हमने। ओके, तो आप 1 to 21 पेज जो आपको भेजे वो आर अबाउट, तो जो अब तक हमने पढ़ा है वो कम्प्लीटेड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसको नोट कीजिए। नोट करने में दिक्कत है तो आप अपने आपके पास वो है, आप तो जो उसकी एप्लीकेशन से मेनली डायमेंशन, हाउ वी कैन फाइंड डायमेंशन, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इन पर आप ध्यान दीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 1 to 21 पे एक साथ आपको भेजें, इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, धीरे धीरे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यूजेस ऑफ डायमेंशन पर कंसंट्रेट कीजिए, वो मेन टॉपिक्स। ओके बेटा, देन टुडे वी टेक सम अनदर क्वेश्चंस ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस। दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज A and B are two physical quantities having different dimensions. A और B दो physical quantities हैं, इनके dimensions क्या हैं different. Then which of them following operation is dimensionally correct? देखिए क्या given है आपको, A और B दो physical quantities, there are two physical A and B, there are two physical quantities. And dimension of them, dimension of these physical quantities are having different. यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, कभी क्वेश्चन सेम का भी आ सकता है, कभी क्वेश्चन डिफरेंट का भी आ सकता है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज है। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और ये ध्यान दीजिए डिफरेंट बोला है दोनों फिजिकल क्वान्टिटी। अब देखिए इफ टू फिजिकल क्वान्टिटीज आर डिफरेंट, क्या आप उनका एड कर सकते हैं। वी रीड दैट सेम डायमेंशन वाली जो फिजिकल क्वान्टिटीज है उन्हीं को आप एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज की हैं तो आप उन्हें एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपको करेक्ट देखा है तो इनकरेक्ट हो गया, डिफरेंट एड कर दिया तो इनकरेक्ट हो गया। ए अपॉन बी, ए लॉग ए अपॉन बी, आप जानते हैं लॉग में बताया था मैंने आपको, if we write any function in logarithm or if we write any function sine or if we write any function exponential form e to the power something, then जो भी log के अंदर आएगा वो या sine के अंदर आएगा वो या e की power में आएगा वो, these are dimensionless होते हैं। तो अब A और B का डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन से तो क्या A अपॉन B डायमेंशन लेस हो सकता है क्या? नो, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। लाइक दैट दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, बट टू डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटीज का रेशियो A अपॉन B आप ले सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं और आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई और वी कैन डिवाइड, बट वी कैन नॉट एड दिस फिजिकल क्वांटिटी, और दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट कमिंग लॉगरिथम बिकॉज a अपॉन b इज डायमेंशन लेस होना चाहिए। e to the power a upon b भी dimension less होना चाहिए। Here dimension of a and b are different, so a upon b is not dimension less, it have some dimension because these have different dimensions. If the dimension of a and b are same तब a upon b dimension less होता, but here a and b are have same different dimensions. So we can see that this is not possible, this is also not possible, and this is also not possible. So possible is this. ये correct है, so dimensionally correct ये वाला। Okay, second, the dimension of universal gravitational constant. देखिए here we have to find the
डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इफ वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी देन व्हाट वी नीड द डेफिनेशन और फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। देन दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम्स इन द दिस फॉर्मूला। इफ वी फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू मास। ये न्यूटन का लॉ है, कोई भी दो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से गिवन होती है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। देन व्हाट इज जी? जी इज एफ मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर अपॉन एम वन एंड एम टू। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? एवरीबॉडी नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी टू द पावर माइनस टू। डायमेंशन ऑफ आर, आर मीन्स मीटर सेंटीमीटर लेंथ, एल स्क्वायर हमने क्या ले लिया स्क्वायर अपॉन मास। एम वन, एम वन इज डायमेंशन एम एंड एम टू ऑल्सो हैव डायमेंशन एम। ओके, इफ वी राइट द यूनिट ऑफ दिस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन इट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हम इससे भी डायमेंशन देन व्हाट इज डायमेंशन एम एंड एम कैंसिल आउट। एम टू द पावर माइनस वन, टू प्लस वन, वन पावर यहाँ पर है थ्री, एल टू पावर थ्री एंड टी टू द पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। देन ए इज ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड हियर वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी? व्हेन वी सी दिस जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो आप देखिए हियर टी प्लस सी इज हियर। क्या है यहाँ पर? टी प्लस सी मीन्स टू फिजिकल क्वांटिटीज का क्या हो रहा है? एड हो रहा है और टू फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है मीन्स बोथ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। सो द डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी मीन्स एन टू दी पावर जीरो एल टू दी पावर जीरो एन टी। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी? देखिए जो बी बी डायमेंशन अपॉन टी, बी का डायमेंशन और इसका टोटल डायमेंशन क्या होगा? टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस वन। सो द डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू एल टी टू दी पावर माइनस वन मल्टीप्लाई विद टी। सो द डायमेंशन ऑफ बी इज एल। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। देन डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई विद डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। आप देखिए ये ए प्लस टी इक्वल टू वी है। तो नाउ हियर डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होना चाहिए। देन डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई विद डायमेंशन ऑफ टी इज कैपिटल टी एंड डायमेंशन ऑफ वी इज एल टी माइनस वन। देन डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एल टी माइनस वन डिवाइड बाय टी। सो इट इज एल टी माइनस टू और वी कैन आल्सो राइट एन टू द पावर जीरो एल टी टू द पावर माइनस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम थ्री क्वेश्चन हमने
ये हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट बुक में नोट डाउन कीजिए, और 1 to 21 पेजेज वो आपके पास हैं, उसको लोग एक पर आप वो कभी भी दे सकते हैं। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे उनको जैसे टाइम मिले वैसे आप नोट कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, हम अभी केवल डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।